मित्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम सिंह लग्न में शेयर बाजार में लॉस के योग के बारे में चर्चा करेंगे, नीच के ग्रह जिनके कारण आपको लॉस लग सकता है। इससे पहले इस सीरीज में 4 वीडियो बन चुके हैं। मेष वृषभ मिथुन कर्क लग्न पे सिंह लग्न का 5वां वीडियो है और बाकी के अगले वीडियोज भी बन रहे हैं। इसके अंदर अगर हमें देखना है शेयर बाजार में लॉस के योग, शेयर बाजार एक भाव से नहीं देखा जाता है, कई जगहों से देखा जाता है, इसलिए बहुत कम लोगों की कुंडली में इतने सारे हाउस क्लियर होते हैं, इसीलिए बहुत कम लोग शेयर बाजार से हमेशा फायदा उठाते हैं। जैसे कि पैसे का भाव, पैसे का मालिक है यहाँ पे बुध, और अगर बुध यहाँ पे अगर नीच का हो जाता है और अगर इसका नीच भंग नहीं है तो ये शेयर बाजार से नुकसान देगा। फिफ्थ हाउस मेन शेयर बाजार का हाउस होता है सट्टा MCX। फिफ्थ हाउस का मालिक गुरु, अगर गुरु यहाँ पे नीच के है तभी आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं शेयर बाजार से, आपको बचना चाहिए। ये पैसे के मालिक बुध और इनकी दशांतर दिशा आ गई तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ऐसे में शेयर सट्टे से दूर रहना चाहिए, M6 से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा सेवंथ हाउस भागीदारी के लिए देखा जाता है, शेयर बाजार एक तरीके से भागीदारी होती है, यहाँ पे अगर शनि नीच के हो जाते हैं तो भागीदारी में नुकसान देगा, पार्टनरशिप में नुकसान देगा, इस तरीके से आपको शेयर बाजार में भी ये हाउस नुकसान देगा। अगर यहाँ पे 12th हाउस जो कि लॉस का हाउस है, इसके मालिक है चंद्रमा, अगर ये यहाँ पे नीच के होते हैं तब भी लॉस लगेंगे, लॉस के योग बनेंगे। 10th हाउस आजीविका होता है, समझिए कुछ हम लोग कुछ लोग तो आजीविका के रूप में शेयर को ही यूज कर रहे हैं, M6 को यूज कर रहे हैं, उनका वही बिजनेस है, तब आजीविका का स्थान तो ये हो गया, इसका मालिक है शुक्र, अगर ये यहाँ पे नीच का है इन्हें डबल मार पड़ी, क्योंकि पैसे का मालिक भी नीच का हुआ और पैसे के हाउस में एक ग्रह नीच का हुआ, तब जब ऐसे ग्रह नीच के हैं, अगर ये सब ग्रह नीच के हैं तब आपको शेयर बाजार में बड़ी नुकसानी के योग बन सकते हैं, आपको संभलना चाहिए। रिस्क ले रहे हो तो सोच समझ के प्लान करो, आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं तो आ सकता है। और इसके अलावा नीच के ग्रह के अलावा ये सेकेंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, 10th हाउस में, 12th हाउस में, अगर यहाँ पे चांडाल योग है, समझिए चांडाल योग, श्रापित योग, ग्रहण योग, अगर ये चांडाल श्रापित ग्रहण योग ऐसे अशुभ योग 10th हाउस में, 7th हाउस में, 5th हाउस में, 2nd हाउस में, 12th हाउस में भी मौजूद है तब भी आपको शेयर बाजार में कहीं कहीं अचानक नुकसान या अचानक पैसा जाने का योग बनेगा, इसलिए बराबर कुंडली एनालिसिस करके ही समझ कर ही शेयर बाजार में रिस्क करना चाहिए, नहीं तो हमारी लाखों रुपए की जो मूड़ी होती है वो साफ हो सकती है। तो इस तरीके से आपको बहुत प्लानिंग करके शेयर बाजार में काम करना चाहिए। ये सिंह लग्न की बात हुई, अगली सीरीज में अगली वीडियोज की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो फोन पर अपॉइंटमेंट बुक करके हमारी फीस ट्रांसफर करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। अगले वीडियोज में हम अगली चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।